नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं मेहुल झाला। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत को उदयपुर विकास प्राधिकरण से बाहर करने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा के नेतृत्व में ग्रामीण और सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। देखिए उदयपुर से हमारी सहयोगी कृतिका चौबीसा की ये रिपोर्ट। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को उदयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर करने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने बताया कि उदयपुर विकास प्राधिकरण करने के बाद गाँव का विकास रुक जाएगा और उन्हें अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी उदयपुर विकास प्राधिकरण आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो सभी के लिए असंभव है। उन्होंने कहा कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को उदयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर किया जाए, पंचायत स्तर पर ही उनका विकास किया जाए ताकि लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े। आज हमारे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के कम से कम 30 से 32 गांव अभी जो प्रस्तावित यूडीए है उसमें इन गाँवों को भी देने का प्रस्ताव यूडीए दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें तो दूसरी विधानसभा भी है, कुछ पंचायतें गोगुंदा की हैं, कुछ मावली की हैं, तो यहाँ के लोगों का जो हमारे जो ज़्यादातर बैठी है एसटी बैठ है, जनजाति बैठ है, तो तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी एसटी हैं। उन सब की ये भावना और मंशा बनी है कि भी युवा हम अभी जो गाँव जो पहले जो ले रखे हैं, जैसे बात बलीचा की बात करें, तितड़ी की बात करें, जो आसपास के गाँव हैं उनमें भी अभी उस तरह का विकास नहीं हो पाया जो विकास अपेक्षित था। और पट्टे भी अभी सभी लोगों को नहीं दिए गए जिस तरह से यूएटी बोलती है जो लोग कहने आवेदन बस में उनको पट्टे दें। तो आज अब इतने दूर दूर 30-30 किलोमीटर तक ये पंचायतें ले रहे हैं तो सभी की ये भावना बनी है कि हमको यूडीए में शामिल नहीं होना है और हम अभी तहसील में हैं, पंचायत में हैं, जो भी है हमारा हम ठीक हैं, क्योंकि अभी हमारा जो कन्वर्जन दर है वो भी हमको कम लगता है। यूएटी में आएंगे तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा, इतना दूर आना संभव नहीं होगा। अपने विकास के कार्य बोले जैसे सड़कें लानियाँ हमारे जो भी आबादी के पट्टे लेंगे तो, और अभी यूआईटी का मामला को पता ही रहता है कि सीधा अधिकारियों से मिलना और एक आम गरीब आदिवासी के लिए मिलना बहुत ही टफ टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आज इनकी जनभावना को सुनते हुए हमारे प्रधान मैडम सचिन जी कटारा, हमारे तमाम जो है ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी के सब अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और तमाम जो सरपंच हैं, सब सरपंच हैं विभिन्न पंचायतों के, सभी मांग करनी है कि हम कोई यूडीए में शामिल न करके हम ऐसे ही रहें ताकि हमारा विकास भी होता रहे और हमको